सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हूँ। मैं भी अच्छा हूँ एंड आप भी अच्छे हैं। सो खैर गाइस, हमारा जो वर्क है, हम लोग का ये वर्क स्टार्ट है एंड गाइस देख सकते हो इसके ऊपर हम लोग ने पूरी फिनिशिंग कर दी अच्छे से एंड अच्छे खास इस पर फिनिशिंग टच आ चुकी है। सो अब जो बारी है वो है पेंट की एंड एक जो चीज़ है और बनाने की बाकी है। गाड़ी के यहाँ जो साइड का आता है ना, इसके जो साइड का होता है वो बनाना बाकी है। सो मैं उसके लिए कार्डबोर्ड ही ढूंढ रहा था, आई थिंक पीछे होगा। सो कार्डबोर्ड उठाते हैं एंड वो बनाना भी स्टार्ट करते हैं एंड वो भी इसमें जॉइंट मार देंगे। उसके बाद हम लोग पूरा पेंट एक साथ स्टार्ट करेंगे। इसलिए अभी जो हमारा ये था वर्क, इसका हो चुका है। देखो ऐसा लग रहा होगा काजू के तरी जैसा। सो ये जो है बन चुका है एंड ये हम लोग का इसमें लगेगा बैरिकेड में। सो गाइस, इसके लिए जो है पूरा अच्छे तरीके से बन चुका है एंड ये जो है कुछ इस तरीके से साइड्स में लगेगा ताकि जो इसकी लुक जो है और अच्छी करेगा। एक यहाँ लगेगा और दूसरा यहाँ लगेगा। और ये जो चीज़ है ना, मैंने गाइस मतलब मैं सीरियसली बहुत ढूंढा, मतलब कैसे करूँ। मेरा तो प्लान ये था मैं इसको ऐसे ही लगा दूंगा। इसके बाजू में आप लोगों को दिख रहा होगा ये सब ऐसे। मैंने सोचा था कि मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही लगा दूंगा, ये ऐसे ही बन जाएगा। लेकिन फिर हम लोग ने बाद में गाइस काफ़ी कोशिश की है एंड हम लोग को फिर बाद में, मतलब मैंने एक दो जगह देखा इंस्टाग्राम पर, फिर मस्त मस्त ऑटो के मॉडिफिकेशन की फ़ोटो आई। सो उसमें मैंने देखा कुछ उसने इस तरीके से बनाया। सो मैंने बोला चलो ये ट्राई करते हैं एंड आप लोग को अभी साइड में फ़ोटो दिख रही होगी कुछ इस तरीके का जो गाइस मैंने है ये बनाया था। सो ये कुछ इधर से ऐसा करके यहाँ लगेगा। सो बस अभी पहले इसको पूरा अच्छे तरीके से चिपका लेते हैं एंड कभी एक घंटा पूरा बाकी हम लोग का नमाज़ के लिए, तरावी जाने के लिए। सो इतना हम लोग ये सब काम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। होप सो गाइस, फाइनली ये हमारा बन चुका है। खैर गाइस देख सकते हो, सीरियसली गाइस बहुत मेहनत लगी एंड ये जो हम लोगों ने बना लिया। कुछ इधर रख के आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसा दिख रहा है। ऊपर भी वो साइड में दोनों की तरफ लगे हैं एंड गाइस हम लोग जो है इसका जो साइड का हम लोगों ने बनाया उसके ऊपर हम लोग वाइट करेंगे और बीच में जो है ना पूरा हम लोग उसके ऊपर ब्लैक कर देंगे, जिससे जो है कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा हो जाएगा। एंड गाइस इसके ऊपर थोड़ा यहाँ डिज़ाइन के लिए ना कोई वाइट कलर या फिर ब्लैक कलर का रेडियम से कोई अच्छा सा स्टिकर मतलब करवा लेंगे जिससे अच्छा दिखेगा। और सुबह दसवीं में आया था घर पर एंड सीरियसली जब मैंने व्लॉग मतलब पीछे का पार्ट जो देख रहा ना इसको ख़त्म करते साथ में निकला हूँ, बिकॉज सीरियसली इतनी गर्मी लग रही थी। सो अभी देख सकते हो मैं नहा धो के फुल फ्रेश हो चुका हूँ। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं तरावी पढ़ने के लिए एंड अभी मैं व्लॉग एंड नहीं कर रहा, हम लोग इंशाल्लाह रात में मिलते हैं क्योंकि कभी कभार हम लोग नाइट आउट पे निकल जाते हैं। सो खैर मिलते हैं रात में। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी नाइट आउट पर तो नहीं, खैर अभी शॉप के काम से निकल रहे एंड उसके बाद हम लोग को अपनी गाड़ी बनवाने भी जाना है। शॉकअप के अंदर शायद इसके कुछ तकलीफ हुई है अभी। सो इसका हम लोग को शॉकअप वगैरह का काम करवाने का है। शॉकअप नहीं, आई थिंक पूरा मेरे को लग रहा है ना ये पूरा स्टेयरिंग ही है, ये पूरा हैंडल ही है जिसका हम लोग को काम करवाने का है। सो चलते हैं और हो सकेगा तो आज इसकी ऑयलिंग वगैरह भी चेंज करवा डालेंगे। सो खैर अभी निकलते हैं काम से, पहले चलते हैं शॉप एंड उसके बाद डायरेक्ट हम लोग निकलेंगे इसके काम से। आज इसका पूरा काम हो जाएगा, फिर सिर्फ और सिर्फ बाकी रह जाएगी मॉडिफिकेशन जो इंशाल्लाह हम लोग धीरे धीरे करके करा देंगे। एंड कहते हैं बहुत तगड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। हम लोग एक जगह जा रहे हैं ईद के अगले दिन या फिर उसके एक दो दिन बाद हम लोग ईद के निकलने वाले इंशाल्लाह। गाइस बहुत प्यारी जगह है, बहुत मज़ा आने वाला है। सीरियसली गाइस व्लॉगिंग जो है ना बहुत प्यारी होने वाली है। सो वेट करना गाइस, सीरियसली बहुत तगड़े व्लॉग आएंगे, बहुत मज़ा आएगी बहुत। ओए शानू हाथ मिला, अभी खाने के लिए लाऊंगा बस। इसका मूड सही नहीं है, इसको भूख भी लगी है ना, तो शायद इसके लिए। आई थिंक अभी कुछ मैटर हुआ बिकॉज अपने सामने के जो फैक्ट्री वाले भाई लोग हैं ना, सो ये सब अभी जस्ट घर वहाँ भागे पानी की टंकी के इधर। सो आई थिंक वहाँ कुछ मैटर हुआ। मेरे अब्बू आ रहे थे मुझे पूछ के अपनी गाड़ी का काम के लिए निकलना था और अब्बू भी भाग गए। गाइस अभी ये बिल्ला बहुत शांत हो गया। सीरियसली सच बता रहा हूँ, मुझे अब तक जितने भी बिल्ले मिले ना, बिल्ले बिल्ली सब के सब एकदम शांत मिले, मतलब कोई ऐसी मिली नहीं है। और अहमद उसके पास भाई वो एक बार बिल्ली का बच्चा उठा के लाया जंगली बिल्ली का, सीरियसली आप उसके घर में नहीं घुस सकते। घर में घुसोगे ना पहले वो आपको चेक करेगी, कुछ शक होगा वो डायरेक्ट काटती है और पंजा मारती है। इतनी क्या बोलूँ कैसी बिल्ली है वो। और एक इस बिल्ले को देख लो, इसके सामने तो चोर भी आके नाच लेगा या कुछ नहीं करेगा, बल्कि डर के खुद ऊपर भाग जाएगा, इतना डराकू डरपोक बिल्ला है। बस गाइस प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए यार। आप लोग सपोर्ट दिखा दो ना यार, वो बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सो प्लीज़ सपोर्ट दिखा देना, थोड़ा वीडियो को लाइक कर दो एंड जल्दी 500 करवा दो यार, अब तक नहीं हुआ। प्लीज़ यार भाई आप लोगों का सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा यार, सपोर्ट अगर आप ही नहीं करोगे तो और कौन करेगा यार, आप लोग ही तो हो। सो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना।
सो खैर बस अभी पापा का वेट करते हैं, आएंगे तो गाड़ी बनवाने निकलेंगे। एंड आई थिंक शायद ब्लॉग लंबा भी हो रहा होगा, चलो कोई नहीं, एडिट करने वाला मैं ही, इंशाल्लाह जैसा भी होगा एडिट कर देंगे। सो बस गाइस अभी हम लोग अपनी गाड़ी बनवाने आए थे, भाई अपनी गाड़ी अभी टेस्ट करने गए एंड अभी यहाँ जो इसका पूरा काम होगा, लेट्स सी अभी उनका वेट करते हैं, वो आ रहे होंगे अभी चेक करने गए गाड़ी। एंड यही एक और गाड़ी हो रही है, ये मेरे अब्बू के फ्रेंड की दोस्त है जहाँ काम हो रहा है पूरा। सो ये गाड़ी अभी एक्सेस हो रही है, इसके पीछे अपनी गाड़ी लगेगी जो भी गए आगे चेक करने। ये देख रहे हो गाइस, ये खुद से बनाई हुई गाड़ी है भाई, सीरियसली मैं तो देख के शौक था। बोलते हैं चलती भी है इसको, मतलब काफ़ी टाइम जब हो जाता है ना इसको थोड़ा बहुत चलाते हैं। सो अभी तो चलाएंगे नहीं बिकॉज इसका पूरा नट बोल्ट वगैरह टाइट किया, एंड जंग देख सकते हो कैसा लगा है। बाकी मेरे को तो भाई बताए थे, मैं तो देख के शॉक्ड हो गया था, क्या दिखती है गाड़ी, तो हीरो होंडा की इंजन से बनी है। हाँ गियर तो काम कर रहे हैं। एंड सीरियसली गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है, सीरियसली बहुत। खैर गाइस अभी जो इसका काम शुरू हो चुका है, अभी इंजन ऑयल वगैरह चेंज कर रहे हैं एंड आगे का हैंडल का काम अभी होगा। सुनकर तो खुशी हुई कि मतलब हैंडल का जो बैरिंग वगैरह है कुछ ख़राब नहीं है, बस थोड़ी सी तकलीफ है। सो नाउ गाइस न्यू ऑयल डाल रहे हैं। खैर गाइस जो भी गाड़ी का फाइनल काम था वो पूरा हो चुका है एंड गाड़ी जो है वो पूरी रेडी हो चुकी है। सो बस अभी इसको लेके निकलना है घर, एंड अब्बू की जो गाड़ी है वो लेके आने, बिकॉज अब्बू की गाड़ी भी ख़राब हो रही है ना, इसका इंजन ऑयल सब चीज़ चेंज हो गई, अब थोड़ी अच्छी रहेगी गाड़ी चलाने में। एंड अब जो मेन काम बाकी है वो है गाड़ी को मॉडिफाइड रेडियम से करना, सो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा कुछ दिनों में। होप सो गाइस अभी घर पर आ चुके हैं। सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा थक गया मैं, बहुत ज़्यादा, एंड रोज़ा है। सो खैर मैं ये कहूँगा तो नहीं लग रहा है कुछ, बाकी ये कहने से जो है रोज़ा मकरूह हो जाता है। हाँ चालू हो गया, ये कहने से जो है यार मकरूह हो जाता है रोज़ा। सो बस यार अभी लग रहा है थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर इंशाल्लाह सही हो जाएगा। सो खैर गाइस गाड़ी बन गई, सीरियसली 1000 तक का खर्चा आ गया, ऑयल वगैरह चेंज हुआ, हैंडल का थोड़ा प्रॉब्लम था वो सही हुआ, ब्रेकिंग सही किए, फिल्टर वगैरह सही किए, और हाँ बस इतनी कुछ दो चार चीज़ें और थी जो हुई है। सो खैर ब्लॉग भी एंड करता हूँ, आप सबको पसंद आया होगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसको सब जाना भी एंड गाइस बहुत तगड़ी जगह पे जा रहे हैं, सीरियसली मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।